Hey fam, welcome back to the 10 star. So we are back again with another video and next part हम continue कर रहे हैं इसका दारू विद डैड पार्ट 4 का जो हमने अगर आपने बहुत सही वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी जो हमने अभी रिसेंट कवर करी दारू विद डैड की कली, तो वो देख लेना। उसके आगे पार्ट कंटिन्यू हो रहा है, मजा आने वाला है, जिसमें वो हॉट डॉग वाला सीन आता है एंड में। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की वीडियो कैसी है। सर, सर, सर एक्सीडेंटली तो था, अब जान के थोड़ी किया है, और वैसे भी भाईचारे वाली बात है, प्लीज है, जाने में इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं थी, वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं है। सारे पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे हाथ छोड़ने के लिए 2 साल की सजा है, और जो तुमने छोड़ा है ना उसके लिए फांसी भी कम पड़ेगी। नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, कुछ देखो ना सर, ले दे के हो जाए, अगर थोड़ा थोड़ा देखो, ले दे के। सारे पुलिस ऑफिसर ड्यूटी को घूस देने के लिए 1 साल की सजा है। तुम्हें क्या लगता है कि ईमानदार पुलिस वाले केवल कहानी में होते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ पुलिस वाले हमारे जैसे भी हैं जो खाकी रंग की इज्जत करना जानते हैं। घूस देगा साले, घूस देगा। नहीं 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 ओके। हाँ भाई, बन गई रील? हाँ जी बन गई, लाओ बेच दो। चलो भाई, तुम्हें छोड़ने के 80,000। 80,000? अरे ये तो बहुत महंगा रेट है यार। अरे मुंह में छुआने के कौन 80,000 पे लेता है? या तो इनकी फुल सर्विस दो, वो भी हम तीनों को। सात दिन का थाईलैंड का टूर, एक नया आईफोन, 1200 किलो टमाटर, 52 रशियन और 1 साल के लिए कदमड़ी की मम्मी। अबे क्या बड़बड़ा जा रहा है? नहीं, सोच रहा था कि 1.5 लाख में ऐसी कौन कौन सी चीजें आ सकती थी जो मैंने आपकी गांड बचाने के ऊपर लगा दिए। एक एक रुपए का हिसाब लूंगा साले, साले तेरे हिस्से का ना मैं सारा सोना। ये कुछ अच्छा हो सकता है क्या मेरी लाइफ में कभी, मतलब जस्ट वंस? भाई सुनो, आप ना गाड़ी घुमाओ, मुझे पता है मुझे नहीं मिलने वाली वो। भाई गाड़ी घुमाओ आप। यार लाइफ में नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी में थोड़ी सी लाइफ है। और चुप कर, तेरी बहन की टंटनाटन है। अबे तेरे को लगता है तेरी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी है? अबे इसलिए लगता है क्योंकि तू उसी के ऊपर फोकस करके बैठा है। अबे कितने बच्चों का सपना है कि उनका बाप उनका दोस्त बनकर रहे है, और तू ये सपना इतने सालों से जी रहा है। और ये कदमड़ी को देख, ये तेरे साथ दोस्त बन के हरामीपना भी फुल करता है और बाप बन के साथ भी देता है। अबे और क्या चाहिए तेरे को लाइफ में? चल चल पागल, इमो हो जाता तू भी। चल खड़ा हो तू, मैं तेरा बाप तेरे को प्रॉब्लम करता है। अब तेरी कुछ गलत नहीं होगा, तेरे साथ सेंटी हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ निकलेगा। ये तेरे बाप का वादा है, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस? हाँ ये पिंकी प्रॉमिस। यस, नाउ लेट्स एंजॉय द जर्नी। पागल खुश रहा कर। आराम से करो यार, आराम से कर रहा हूँ, रुक तो जा। दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। थोड़ा तो होगा ना बेटा। अच्छा ये बताओ, मेरे चेहरे पे तो नहीं लगी ना कहीं? दूल्हा हूँ यार, अच्छा दिखना जरूरी है बहुत। हाँ हाँ लगी भाई, बढ़िया लग रहा है एकदम, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं लगी, मस्त लग रहा है एकदम, शाहरुख खान है। क्या बात कर रहे हो? तो प्लेसमेंट ऑफ द मिरर पीछे कितना बढ़िया है, जैसे उसकी शक्ल वहाँ पे देखी। तुम सिर्फ नहीं लोगे, तुम सिर्फ नहीं। अबे कौन है कुत्ते का बीज? ये मैं पिनो नहीं, ये मेरे दांत को क्या हुआ? पापा नहीं, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं डालता, नहीं मैं ऐसे नहीं डालता पापा यार। Shut up! No! अब बैठ के बात करते हैं, मैं समझाता हूँ, बैठ के। आजा आजा आजा, चल आजा, इधर बैठ, इधर बैठना। कुंदन, कुंदन, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहू तेरे को इस हालत में देख के शादी के लिए मना कर देगी? कुंदन बेटे, अगर हमारा कुत्ता नाली में भी लौट कर आए तब भी वो हमारा ही कुत्ता रहता है, हम तब भी उसको उतना ही प्यार करते हैं। कुंदन, अरे क्या फालतू के डायलॉग बोलते रहते हो यार। अरे फालतू इसी, कम से कम तेरे को डायलॉग मिल तो रहे हैं, मेरे को तो ये इसकी बहन की टन बोलने के लिए बुलाते बस। बेटा जितना स्क्रीन टाइम तेरे को मिल रहा है ना इस बारी, इतना तो डिजर्व नहीं करता है। अब तेरे को डायलॉग भी दे दे। मैं साले तुम चिट्टे दारूविद डैड है, ये दारूविद राजेंद्र नहीं है। ला तू दे साला, सोचा चुपचाप। और सुन, 8 बजे उठ जाइए, निकलना है हमको। चले ना बे, इरिटेट कर दिया मेरे को। सो का यार मैं हल्दी वाला दूध नहीं पीना मुझे यार। बैटर फेल होगा, पी ले। नहीं है यार मन। हाँ अभी मना कर रहा है, और साले स्वागरात में तो एक सांस में अटक जाएगा है। ले पी ले, ले पी ले, चल। अच्छा कुंदन, एक बात बता। हाँ। तेरे को पता तो है कि स्वागत कैसे मनाते हैं, हैं? बिल्ली कैसे मारते हैं जानता है? You know what, KD? तुम्हारे साथ बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई ना मुझे गलत जगह से छू रहा है। मतलब मुझे बहुत मोलेस्टेड फील होता है यार। क्या लैंग्वेज है ये? मतलब क्या? और मेरी सुहागरात है यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे पता है क्या कैसे करना होता है, क्या सब ठीक है, मैंने किया हुआ है। बस यही हार गए तुम गुंडू। एक बल्लेबाज आईपीएल में कितने भी रन बना ले, पर वर्ल्ड कप के मैच में वो भी हक सकता है। तो बेटा गुंडू, सुहागरात एक वर्ल्ड कप मैच है, इसमें तेरे को जीतना ही पड़ेगा गुंडू बेबी। यार केडी देखो, अब तुम ना डरा रहे हो, ठीक है? क्या ही अलग होता होगा यार। क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा दोस्त बैठा ना यहाँ पे, वो बताएगा, वो समझाएगा तेरे को। इधर नहीं यार, यहाँ तो ना माहौल है ना कुछ। नहीं यहाँ नहीं। अरे तो क्या हो गया, माहौल नहीं है तो अभी बना देंगे माहौल। सुहागरात की सेज पर बैठी दुल्हन पिया के मिलन को तरस रही। अरे भाई पिया होले से धीमे पैरों की आहट के साथ ये वाला धीरे धीरे अंदर आती दिमाग में मेरे ख्याल से। अरे भाई अब ऐसे तो तुम एक दूसरे को जानते हो, लेकिन सुहागरात में सब फिर से अनजान हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम एक नए रिश्ते में बंध चुके हो। अब एक नई शुरुआत है। तो अब मैं क्या करूं केडी? अरे पागल, उसको यकीन दिला कि रिश्ता भले ही नया है, पर उसके लिए तेरा प्यार वही पुराना है और रहेगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें शर्म है कि नहीं यार? खुद को बबीता इमेजिन करके बैठे हो यार। अब क्या करूं यार, इमेजिनेशन में लड़की लाने का बजट नहीं है मेरे पास। तू कर ले ना, इसी से काम चला ले। कर ले इमेजिन प्लीज, कर ले कर ले कर ले कर ले। अब धीरे से उसके जेवर निकाल के उसको थोड़ा कंफर्टेबल कर दे। अब रात की मध्यम चांदनी में वो जब तुझे देखेगी तो हो सकता है कि माहौल थोड़ा शायराना हो जाए। वो कुछ कह सकती है जैसे लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, तेरा ले लूं पूरा या थोड़ा थोड़ा। मेरी बबीता ऐसे बात नहीं करती। टीनेज पर एक आंच भी लाए ना तो कल के पेपर में हेडलाइन छपेगी कि बाप के टुकड़ों पे पलने वाले बेटे ने किए बाप के टुकड़े हैं। चाहिए हेडलाइन है? चाहिए ना। चाकू मेरी बबीता क्या बोलेगी? ओ भाई वो मेरे कान के पास आके हौले से कहेगी, लबों से चूलूं जिस्म तेरा, सांसों में सांस जगा जाऊं, तू दे अगर इजाजत मुझे तो मैं तुझ में समा जाऊं। जी ये चलो बहुत बढ़िया है, ये तो मेरा पसंद का शेर है ये तो उसके पास जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो तुझे बोले, सुनिए ना शादी की रस्मों से बड़ा थक गई हूँ, आज रहने देते हैं कल करेंगे। अबे तू पागल है क्या बबीता? यहाँ नीचे मैं बालों की हार्ट शेप में कटिंग करवा के आया हूँ, क्या बीटी ले रही है यार? हरामजादे बीटी दे दी। ये बीटी दे दी क्या होता है? अबे अपने गली के यार से बात कर रहा है कि अपनी बीवी से? अरे अपनी बीवी से प्यार से बात कर, उसकी प्रॉब्लम समझ, उसको थोड़ी केयर दिखा, ये क्या होता है पीटी दे दी? सॉरी कुंदन मेरे, डर मत। सेक्स इज लाइक फ्लाइंग एन एरोप्लेन, अगर तू अपने को पायलट को फोर्स करेगा उड़ाने के लिए प्लेन तो हो सकता है क्रैश लैंडिंग के चांसेस बढ़ जाएं। तू चाहता है क्रैश लैंडिंग हो? नहीं 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 चाहता ना, नहीं ना, बस तो तू अपनी बीवी की प्रॉब्लम समझ, उसे प्यार से बात कर, थोड़ी केयर कर, उसको अपनी दिक्कतें समझा, उसकी दिक्कतें समझ। अगर तू अपनी पार्टनर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा तो फिर हो सकता है शायद वो इम्प्रेस होके अपनी सारी थकान भूल जाए और फिर पूरी रात आसमान में प्लेन उड़ाएगा कुंडो। और ये कुंडो केडी, कुंडो डैडी हो केडी, कुंडो डैडी चौक में मेरा गला घोंट दो कुंडो, सिट ऑन माय फेस केडी यार। मैं क्या कर रहा हूं मेरी बात एकदम चुप, प्लीज कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना है? कुछ भी मत बोलना ठीक है? अबे ले जाओ यार ये और कंबल दो। क्या यार बाप है पिछले जन्म का शराब। देखिए प्लीज चुप चुप, सो जाते हैं सो जाते हैं, थोड़ी जगह मेरे को भी दे दे। जाओ यहाँ से जल्दी, निकलो निकलो, हटो यहाँ से यार। कहाँ सोऊंगा मैं? अरे कहीं जगह नहीं। अरे प्लीज भाई जाओ यार यहाँ से। अच्छा गुड नाइट किस भाई। जा रहा हूँ यार, भी पता नहीं क्या क्या सोचता होगा मेरे बारे में अकेले में। छी अरे भाई ओ भाई एपिक भाई। कदम बड़ी तू यहाँ क्यों आया है? वो कहीं जगह नहीं है सोने के लिए तो यहाँ लेट जाऊं। देखो अरे भाई क्या कर रहा है कदम बड़ी? वो ठंड लग रही थी, ठंड तो है तो बता फिर। ठंड है तो हम ऐसे लेट सकते हैं, पर ठंड है बस इसलिए। हाँ ऑफ कोर्स, मेरे माइंड में थोड़ी कुछ गलत चल रहा है तो What's with the tension? भाई मुझे याद हो रही है, देख देख गुड मॉर्निंग राजू। व्हाट अ गुड मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। ओके ओए कुंदन, वो देख वहाँ पे मैंने टट्टी का टीला बनाया है। इतना बड़ा टीला, बड़ा मस्त लग रहा है, आजा देख। बड़ा मस्त है भाई, टीला बनाया है बिल्कुल रेत वाली टट्टी करी है, सेम कलर की, ट्विनिंग हो गई भाई साहब, ट्विनिंग। चुप हो जाओगे यार, नहीं सुनना आपने क्या टीला बनाया क्या। 6 घंटे बाद बबीता के फेरे हैं यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज, कम ऑन गाइस। उसको समझा, इतना बड़ा टीला ना, चलो 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 चलो। भाई कुछ हेल्प कर दें आपकी। अरे नहीं भाई साहब, बस हो गया ये थोड़ा। क्या हो गया हमारी गाड़ी होगा भाई साहब। अरे भाई साहब ये लड़ने साहब मेरी गाड़ी भाई साहब, आगे मारो। आओ सालों चोरों साथ तो यही होना चाहिए। मुझे लग रहा है बाद में देखेंगे इनकी गाड़ी नहीं है। हाँ पीछे खड़ी होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस बाबा, वेरी नाइस। अभी ऐसे, अभी ऐसे जेंटलमैन गाय सज्जनसा, आप जा रहे हो? भाई बिलोजान का शो है भाई, वो ये वाली गाड़ी इनकी होगी। अच्छा चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। आप जैसे लोग हैं ना दुनिया में, तब दुनिया बदल सकती है। जी बाय, थैंक यू सर, बाय। आराम से जाना, बाय बाय बाय। खड़ी गम्मा यही है राजेंद्र, कितनी कमाल की बात है ना क्या, कि इसकी गाड़ी पे भी तेरी गाड़ी वाला स्टिकर लगा हुआ है, बिल्कुल सेम, राजेंद्र दी गड्डी। अरे कोइंसिडेंट हो गया, नंबर प्लेट भी सेम है। ओ तेरी बहन की ओए ये क्या हो गया? ओ भाई मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी कुंदन, कुंदन मेरी गाड़ी, खेड़ी मेरी गाड़ी। अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अरे इसकी EMI चल रही है अभी तक तो, अरे EMI कौन भरेगा इसकी। अरे मेरी 3 गाड़ी में से 1 गाड़ी चोरी हो गई। अरे मेरा धंधा ठप हो गया, बैंक वाले मेरे घर पे मुझसे लोन मांगने आएंगे, मैं क्या दूंगा उन्हें। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे मेरी बीवी रोड पे आ जाएंगे। तू बीवी की टेंशन मत ले, उसको मैं रख लूंगा अपने पास। रे सोना रे सोना रे सोना रे सोना, मिलने के बाद 500 गाड़ी खरीद लेगा तू। क्या तू 1 गाड़ी के पीछे मर रहा है? बड़ा सोचना थोड़ा। यहाँ मैं तेरे को पिज्जा खिला रहा हूँ, तू बासी रोटी बैठ कर हुआ है, पागल है थोड़ा, क्या कर रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट, तुम क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो यार? 6 घंटे बाद बबीता के फेरे, क्या करेंगे अब? तू क्यों टेंशन, हाइपर क्यों होता है यार तू? टेंशन लेने लग जाता है। कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाएगा, मेरे को सोचने दे, कहीं ना कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा। गाड़ी मेरी थी, चाबी अंदर रह गई थी, इसलिए खोल रहा था सालो। नहीं नहीं भाई भाई भाई, चलो चलो चलो, पागल है ये, पागल है, भागो भागो। इतना पिटा है बेचारा। खुद की गाड़ी है। अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट, ये जाके बना दुल्हन का पप्पा। हो सकता है, हो सकता है। और कितनी दूर है यार? बस थोड़ी दूर और है पापा, कुछ ना कुछ दिखाएंगे। ये रेगिस्तान का रास्ता हमारे लिए शॉर्टकट पड़ेगा, चलते रहो। ओए सुन कुंदन, अपनी शादी के मंडप में ना 12 चंदन की ना लकड़ियां मंगवा लियो और मेरे को साले वही जला दियो, मैं नहीं जिंदा जा पाऊंगा यहाँ से। मजा आ रहा होगा। पानी 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 हम पे पानी है, पानी पानी है हम पे, पानी 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 और नहीं है, खाली थोड़ा सा बचा दियो। Oh my God, shit. नहीं है पानी। That's good. क्या? राजू राजू नहीं, राजू हिम्मत हिम्मत रखो थोड़ी सी, कहीं ना कहीं पानी मिलेगा। मिल गया पानी, ये हेलो क्या हो रहा है? सनस्क्रीन तो लगा ली है, स्किन केयर रूटीन हो गया मेरा। बस पीने को पानी मिल जाता ना थोड़ा बेटर फील होता है यार, पीने को नहीं मिल रहा कहीं। राजू ये ना मेरा बाप है भाई, मैं इसको माँ की गाली नहीं दे सकता यार, प्लीज मेरी तरफ से एक गाली दे दे। खत्म बड़ी मादर, ये कैसी बात है? बाइक बाइक आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओए ओए हम फंसे हुए हैं। ओए आवाज आ रही है। मैंने बहुत देख लिया, मैंने बहुत देख लिया। एक मिनट शांत, अरे एक मिनट शांत हो जाओ यार। वो एक मिराज था पापा, अक्सर रेगिस्तान में ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है। हाँ दिखाई तो दे रही है बेटा। पर वो एक वहम होता है। शिट यार। ये देख एक और मिराज आ गया। ओए मिराज, ओए तुम रहो यहीं, मैं आता हूँ। आजा मिराज आ, हिट में, कम ऑन हिट में मिराज, मिराज आजा आजा। अरे भाई टकरा जाएगा इससे, टक्कर मार दे मिराज, आजा कम ऑन हिट में। पापा अरे पापा पापा ठीक हो? लगी तो नहीं? कुंदन एक बात बता, ये मिराज में दर्द असली होता है क्या? कोई है? अरे कोई है? हेलो? पापा, राजू, पापा उठो। ओए, शेख। ओ, एंट्री हुई बे। अरे बड़े वालों छोरो 5 साल को देखो। छोरी कौन मिल रही शादी वास्ते? राजस्थानी है, राजस्थानी है, हाँ राजस्थानी है। पर ये कौन है? रुक रुक रुक, मैं पूछता हूँ। हेलो हबीबी, हम भी यहाँ कैसे आती? कैसे? आप यू आप हमारी जान बचाती। हाँ। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, लॉन्ग लाइफ हबीबी, लॉन्ग लाइफ, ये वेरी लॉन्ग, थैंक यू। वो केडी बीबी अंकल जी, और मैं तो मंजीता, स्ट्रेट फ्रॉम पंजाबी विभाग, वेस्ट दिल्ली। तू लस्सी है? तू खजूर बन के क्यों घूम रहा है? ओ मैं क्या वीरे, ओ मेरे दोस्त यारा नू लगदा सीगा कि दुबई से मेरे तेल के कुएं आ गए, तो फिर फोटो खींच के पा देता हूँ यार। और वैसे रेगिस्तान तुझे एक ही है, तो फिर क्या दुबई और क्या जैसलमेर जी। मैं तो घर ही जा रहा था, फिर मुझे आप बात तो सही है। ओ बाय गॉड जी, इतनी गंदी हालत थी ना जी आपकी। ओ मतलब तुआडी बुंदा तो जी परोठा बन रखा सीगा। ओ जी फिर मैं तुहानू उठाया ते पानी शानी पिलाया ते इत्थे लाया। ओ यार तू तो वेरी स्वीट लस्सी है, तूने हम तीनों की जान बचाई। हम तेरा एहसान कैसे उतारेंगे बेटा? जी 60,000 देके 20,000 पर लाइफ, 20। टन। अबे जान बचाने के पैसे कौन लेता भाई? हम जी। अंकल वो पापा जी कहते हैं ना, जान और गांड एक जैसी होती है, तो उसको लेने के और बचाने के कुछ तो पैसे लगेंगे ना जी। और जी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, नहीं ना जी, मैं तो पाई जोड़ के अपनी प्रीतों पे लगाऊंगा, फिर एक दिन इसी पे अपनी बिलोजान के साथ घूमूंगा। बिलोजान। ओके, इस पार्ट को हम यहीं पे रोकते हैं और अब इसके आगे हम देखेंगे कि भाई 20,000 देते नहीं देते यहाँ से निकलने के लिए। और जो अब फाइनल क्लाइमैक्स आएगा, वे फॉर शादी। अब तो हाँ क्लाइमैक्स आने वाला है, जिसमें वो शादी वाला पार्ट आने वाला होगा, तो मज़ा आएगा। तो अब थोड़ी सी वीडियो रहेगी, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। एंड अब तक बढ़िया वीडियो रही है, मज़ेदार। इसमें जो मेन था स्वागत वाला सीन था। यस तो बने रहना नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड अगर पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो जाके वो देखो, और अगर आपको चेक दैट आउट, और अगर हमारे साथ देखने में मजा आ रहा हो तो मेक श्योर यू गिव अस थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।